आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा कि मैंने द इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल्स टू फोर एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ व्हाट ठीक है तो आपको चार ऑप्शन गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल या फिर नन ऑफ दिस तो आपको जो तो दो ही क्वेश्चन गिवन है बताना है कि कौन सी ट्रैंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है तो पहले इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं हम इक्वेशन की वन है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्यर इज इक्वेश टू जीरो ठीक है तो ये हमारी क्वालिटी का क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ वाई स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस एक्स इज टू जीरो तो जो क्वालिटी का क्वेश्चन है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे इसका रूट्स का फॉर्मला होता है वाई इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी टू ए के इक्वल और यहाँ पर डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर ठीक so, है, 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 तो है, है, तो है तो देखो यहाँ पर ए होता है वाई कोफिशिएंट बी हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट और ये एक्सक्र हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा अपना सी के बराबर तो ऐसे वाई हो जाएगा मेरा माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायेयर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन है और सी है एक्स स्क्वायर मेरा ठीक है अपॉन टू ए तो ए तो वन है तो यहाँ पर टू इंटू वन टू हो जाएगा सीधा ठीक है सो वाई टू माइनस फोर एक्स प्लस माइनस इधर क्या मिलेगा आपको फोर एक्स स्क्वायेयर फोर एक्स का होल स्कर करेंगे तो कितना आएगा सिक्सटीन एक्सक्यर और माइनस फोर एक्स स्क्वायेयर तो कितना मिलेगा ट्वेल्व एक्सक्वायर वो भी रूट के अंदर तो स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेल्व बार ट्वेल्व एक्स बार आएगा रूट ट्वेल्व अंदर हो जाएगा मेरा खाली ठीक है जो कि सिक्सटीन एक्सक्वा माइनस फोर होगा ट्वेल्व एक्स तो एक्स बार आ गया ट्वेल्व अंदर चला गया रूट में डिवाइड बाई टू ठीक है दैट सिम्प्लाइज वाई इजिकल्स टू माइनस फोर एक्स प्लस माइनस अब ट्वेल्व को क्या लिख दूंगा मैं टू रूट थ्री लिख देता हूँ यहाँ पर मैं तो टू एक्स रूट थ्री लिख दूंगा ठीक है डिवाइड बाई टू अब पूरी क्वेश्चन को टू से डिवाइड कर देते हैं जो डिनोमीटर में है। तो वाई इजीकल टू जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस माइनस एक्स रूट थ्री ठीक है ये वैल्यू मिल गई हमको तो से क्या मिल गया वाई इजीकल एक्स को ले लो माइनस टू माइनस रूट थ्री ठीक है अब जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी लाइन की वो होती है वाई इजीकल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर हो गया तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्लोप एम वन एम की वैल्यू आ रही है माइनस टू प्लस माइनस रूट थ्री तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी एक होएगा एम वन वो हो जाएगा माइनस टू माइनस रूट थ्री और दूसरी हो जाएगी एम टू वो हो जाएगा माइनस टू प्लस रूट थ्री ठीक है तो दो स्लोप तो आ गई एम वन और एम टू हमारी जो कि इस इस के लिए लेती क्वालिटी इक्वेशन थी ठीक है अब एक क्वेश्चन ये है एक्स माइनस वाई इज टू फोर ठीक है सो so, एक इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज टू फोर है तो ऐसे इक्वेशन बन रही है एक्स माइनस फोर टू वाई तो यह, इस लाइन की स्लोप क्या आ रही है हमारी एम थ्री इजिकल्स टू वन आ रहा है क्योंकि एक्सो कफिशंट वन है सो एम थ्री वन आ गया एम वन की वैल्यू ये आ गई और एम टू ये आ गया अब देखो तीनों तीन स्लोप आ गई हमारे पास ठीक है सो अब क्या करते हैं तीनों स्लोप के बीच में एंगल्स निकाल लेते हैं एंगल्स होता है वन टेरा टेन थीटा इजीकल्स टू एम वन माइनस एम टू डिडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू ठीक है ये हो जाएगा लाइन वन एंड टू के बीच में यानी एम वन एम टू इन दोनों स्लोप के बीच में जो एंगल आएगा हमारा ठीक है वो देखते हैं क्या आता है एम वन है अपना माइनस टू माइनस रूट थ्री और बीच में नेगेटिव साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का प्लस का टू रहेगा माइनस का रूट थ्री हो जाएगा इधर से डिवाइडेड बाय वन प्लस माइनस टू माइनस रूट थ्री इन माइनस टू प्लस रूट थ्री ठीक है सो so, ऊपर वैल्यू क्या मिल रही है देखो ऊपर मेरा क्या क्या टू से टू कैंसिल हो रहा है यहाँ पर तो टेन थटा यहाँ पर बन रहा है मेरा टेन थटे की क्या वैल्यू आ रही है माइनस का टू रूट थ्री आ रहा है ऊपर डिवाइडेड बाई वन प्लस अब देखो ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा इधर तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री ठीक है तो फोर माइनस थ्री हो गया वन तो क्या वैल्यू आ गई माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू कैंसिल हो गया कितना मिल गया टेन थीटर आ रहा है माइनस रूट थ्री मोड के अंदर तो भाग लिखाएंगे तो प्लस का रूट थ्री आ तो एनी टेन थीटर रूट थ्री आ गया तो थीटा की वी होगी सिक्सटी डिग्री ठीक है तो लाइन माइनन टू के बीच में एंगल हो गया सिक्सटी डिग्री ये क्या हो गया लाइन वन एंड लाइन टू के बीच में एंगल हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ठीक है अब टू और थ्री के बीच में निकालते हैं तो इस केस में टेंथ टेंथा हो जाएगा एम टू माइनस एम थ्री डिवाइड बाई वन प्लस एम टू इंटू एम थ्री ठीक है तो वैल्यू स्पुट करो देखो एम टू की वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस रूट थ्री माइनस एम थ्री वन है डिवाइड बाई वन प्लस माइनस टू प्लस रूट थ्री इंटू वन ठीक है तो देखो क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ से माइनस थ्री प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई वन माइनस टू प्लस रूट थ्री क्योंकि यहाँ पर ये एम एम थ्री वन था मेरा दैट सिंप्लाइज माइनस थ्री प्लस रूट थ्री इधर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन ये हो जाएगा टेन थीटा अपना अब इसको रिश्वनइस करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमीटर में रूट आ रहा है रूट आ रहा है मेरा ठीक है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा रेशनलाइज़ कर देते हैं इसको माइनस थ्री प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन और इधर है रूट थ्री माइनस वन इंटू डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन ठीक है रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सो टेन थ्रीटर की वैल्यू इधर से मिल रही है आपको ऊपर कितना आएगा माइनस का थ्री रूट थ्री माइनस का थ्री प्लस का थ्री प्लस का रूट थ्री और नीचे उठाएगा ए माइनस भी इंटू ए प्लस भी तो उसका मेरा आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन वन का स्क्वायर हो जाएगा वन अपना तो टेन थीटा हो जाएगा यहाँ से देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो गई मेरी माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल हो गया अब क्या बचा माइनस थ्री रूट थ्री और प्लस का रूट थ्री सो तो क्या होगा माइनस का टू रूट थ्री और नीचे टू तो है मेरा तो यहाँ पर माइनस का रूट थ्री आ गया तो फिर से वही रूट थ्री आ जाएगा सो यहाँ से थीटा की वैली कितनी आ गई सिक्सटी डिग्री तो यानी लाइन टू एंड लाइन थ्री के बीच में भी एंगल कितना सिक्सटी डिग्री अब हमको से पता लग गया ना कि अपने लाइन वन एंड टू एंड लाइन टू एंड थ्री इन दोनों के बीच में सिक्सटी डिग्री आ रहा है सो so, दो एंगल सिक्सटी डिग्री आ गए तो किसी भी ट्रैगल के अगर हमारा कोई भी ट्रैगल है जिसके अगर दो एंगल सिक्सटी डिग्री आ गए ये सिक्सटी है ये सिक्सटी है तो ये वाला भी कितना होगा सिक्सटी हो जाएगा ना मेरा फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस सिक्स डिग्री सब मिला के तो वन एटी होगा अपना और दो एंगल सिक्सटी आ रहे हैं अपने तो तीसरा भी क्या आ जाएगा सिक्सटी डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से ठीक है तो so, यानी लाइन वन और थ्री के बीच में एंगल सिक्सटी डिग्री रहेगा तो यानी तीनों एंगल सिक्सटी हो जाएंगे तो कौन सा ट्रैंगल गया ये ये हो गया अपना इक्विलीटर ट्रैंगल ठीक है क्योंकि हमने दोनों के लिए अपने तेन थीटा का फॉर्म लगा के, के देखा दोनों के एंगल सिक्सटी डिग्री आ रहे थे दो लाइन के बीच में ठीक है तो अब दो के बीच में सिक्सटी आ रहा है तो तीसरे में भी सिक्सटी आएगा अपना क्योंकि मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी यही होता है तीनों एंगल का सम वन एटी होता है तो यानी ये जो साइडी हुई थी आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है अपना इक्विलटर ट्रायंगल तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा सर राइट आंसर ठीक है एन इक्वल टू ट्राइंगल ओके थैंक यू फ्रेंड्स क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर